हेलो गाइस, तो आज हम लोग फाइनली निकल रहे हैं जापान के लिए, जो मेरी ड्रीम कंट्री थी। एंड बहुत मजा आने वाला है क्योंकि वहीं से डोरेमोन के सारे कार्टून, शिनचैन, पोकेमोन सब कुछ वहां पे है। एंड बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है, मेरा फर्स्ट टाइम है जापान में, एक इंडियन गेमर जापान जा रहा है फर्स्ट टाइम, तो ये व्लॉग्स बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं। अभी मैं दिल्ली से निकल रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए, आपको पूरा व्लॉग देखो, बहुत ही मजा आने वाला है। पूरे 15 डेज हूँ मैं वहाँ पे, तो मजा आ जाएगा। चलो गाइस, फाइनली अभी दिल्ली के एयरपोर्ट पे टाइम पे पहुंच गया हूँ, और मेरे साथ कौन जा रहा है देखो, जापान है टोंडे, मैं जा रहा हूँ। हाँ टोंडे, मैं जापान जा रहा हूँ, जापान दोस्तों। नहीं टोंडे मेरे को छोड़ने आया एयरपोर्ट, एएस खाने चले गया, भूख लग रहा था, नहीं तो वो भी आने वाला था। टाइम पे हूँ मैं, और देखो भीड़ देख रहा है आप। हाँ अर्ली हूँ, लेकिन बिजनेस क्लास है ना, उसकी वजह से मैं अंदर घुस जाऊंगा सीधा अंदर आराम से। फर्स्ट क्लास महंगा था टुंडे, अब तेरे को जापान में मिलता है, ठीक है। चलो गाइस अभी एंट्री करते हैं अंदर और आपको आगे का दिखाता हूं। बाइक में उड़ के आ रहा हूं नेपाल से। चलो भाई, ये देखो बिजनेस क्लास के लिए अलग से एकदम खाली लाइन, इकोनॉमिक क्लास उसके लिए पीछे लाइन, आपको दिखाता हूँ कितनी बड़ी है। अभी बिजनेस क्लास के लिए एकदम छोटी सी लाइन, एकदम छोटी सी दिखाऊंगा आपको। चलो और इकोनॉमिक क्लास का भी आपको दिखाता हूँ मैं, क्योंकि मेरी बिजनेस क्लास फ्लाइट है ना सीधा यहाँ से जापान 14 घंटे, और उधर देखो कितनी बड़ी फ्लाइट है, लाइन ही लाइन है, इधर छोटी सी लाइन है, एकदम छोटी। गाइस फाइनली अभी एयरपोर्ट के अंदर मैं आ चुका हूँ, और आपको बताना तो भूल ही गया, मोमोस कुरेल भी मेरे साथ जापान की ट्रिप में है, पूरे जापान। हेलो। जो बिजनेस क्लास लाइन था वो था ही नहीं, मैं निकिता के साथ ही था नॉर्मल लाइन में, बहुत लंबा ठहरा। और अभी हम लोग जा रहे हैं लाउंज में, क्योंकि बिजनेस क्लास फ्लाइट ली है ना, तो लाउंज फ्री है, मेरे पास 3-4 लाउंज है, एक फ्री भी आया है, तो मोमोस कुरेल को भी दे देंगे, मैं भी आ जाऊंगा। और उधर है लाउंज, मैं भी लेके चलता हूँ आपको, बहुत ही प्यारा लाउंज है। 2 घंटा हम रेस्ट करेंगे, 10:40 या 10:50 को बोर्डिंग स्टार्ट होगी, और उसके बाद हम लोग चलेंगे। 15 घंटे की फ़्लाइट है, मज़ा आ जाएगा गाइस, आप बोलोगे 15 घंटे बिजनेस क्लास में चिल एकदम। अभी लाउंज दिखाता हूँ कैसा है, फ्री लाउंज मिला है बिजनेस क्लास की तरफ से। गाइस अभी हम लोग बिजनेस क्लास लाउंज में आ चुके हैं, एंड लाउंज एक नंबर है। मेरी फ़्लाइट 2 घंटे के बाद है, एंड जो मैंने बिजनेस क्लास टिकट लिया था उसके साथ बिजनेस क्लास लाउंज भी फ्री आया था, तो अभी मैं आ चुका हूँ। और खाने के लिए भी मैंने मंगाया है, देखो क्या क्या मंगाया है आपको दिखाता हूँ। मैंने मंगाया गाइस बिरयानी, साथ में फ्रेंच फ्राइज, फिर चिकन करी और 2-3 और चीज़। खाना तो बड़ा अच्छा है क्योंकि मैंने अभी ट्राई भी किया, बहुत टेस्टी है। अभी डेजर्ट भी ट्राई करेंगे, 2 घंटा हम रेस्ट करेंगे यहाँ पे, फिर हमारी बिजनेस क्लास फ्लाइट में जाएंगे, जो 15 घंटे है जापान जाने में। जापान में तो गाइस अलग ही मज़ा आने वाला है, आप लोग पागल हो जाओगे सारे व्लॉग्स देख के। तो बिजनेस क्लास लाउंज दिखा देता हूँ कितना बड़ा है, आप देखो बहुत बड़ा है बिजनेस क्लास लाउंज, नॉर्मल जो लाउंज होता है ना उससे बहुत बड़ा, और खाना भी बहुत टेस्टी, सच में टेस्टी खाना, और रिलैक्स तो चिल मार के करो, वाईफाई सब है। तो अभी 2 घंटे के बाद आपको मिलते हैं जब बोर्डिंग होगी फ्लाइट की, बिजनेस क्लास फ्लाइट है फर्स्ट टाइम मेरा नए एयरलाइंस में। गाइस अभी हम लोग बोर्डिंग कर रहे हैं फ्लाइट में, एंड बिजनेस क्लास है तो सीधा यहीं से, मेरी सीट नंबर है 12D, ये देख लो। चले दिखाते हैं, पहली बार बिजनेस क्लास फ्लाइट फ्लाई कर रहा हूँ इसमें। गाइस ये वाली सीट है मेरी 12D, ये देखो 12D, बहुत ही प्यारी सीट है, आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर। मेरे को यहाँ पे मैं सामान रख दूँ मेरा अपना और बैठ जाऊँ। गाइस मेरी सीट, ये मेरा बैग इधर डाल देते हैं, बंद कर देते हैं इसको, और ये रही सीट तगड़ी सी फर्स्ट, ये बिजनेस क्लास है सॉरी, मैं फर्स्ट क्लास बोल रहा हूँ। और यहाँ पे इसको मैं, ये टीवी है ना, मैं भी दिखाऊंगा सब कुछ बिजनेस क्लास में कैसे वर्क होता है। फाइनली गाइस हम लोग रुको, गाइस फाइनली हम लोगों ने बोर्ड कर लिया है बिजनेस क्लास, बहुत ही तगड़ी बिजनेस क्लास है, पूरा यूनिक एक्सपीरियंस है फर्स्ट टाइम का मेरा, आपको पूरा मैं दिखाने वाला हूँ। मैं भी पूरा शॉक्ड हूँ यहाँ पे देख के क्या क्या है, क्योंकि ये मेरी 10 घंटे की फ़्लाइट है, यहाँ से 5 घंटे हांगकांग हम लैंड करेंगे, 3 घंटे वहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद नेक्स्ट फ्लाइट बिजनेस क्लास है अपने जापान के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है गाइस। फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी फ़्लाइट ले रहा हूँ मैं 10 घंटे की पूरी। तो गाइस आपको अभी बिजनेस क्लास दिखाता हूँ, ये फर्स्ट टाइम है मेरा, तो ये सबसे पहला ये आ गए, क्योंकि आप लोग सोच रहे हो स्क्रीन तो उधर है, मैं मूवी थोड़ी दूसरे सीट में से देखूंगा, ये दूसरा सीट है, लेकिन ऐसा नहीं है। और मेरे को टीवी इधर करना है तो मेरे को बस ये बटन दबाना है, ठीक है, ये प्रेस किया और ये इधर आ जाएगा, तो इसमें सारे लैंग्वेजेस है, ठीक है। हांगकांग जा रही है फ़्लाइट, और वहाँ से जाएगी मेरी दूसरी फ़्लाइट जापान फाइनली, तो इसको बंद करते हैं। और अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे नीचे स्पेस, देखो सोने के लिए बहुत ही बड़ा स्पेस है, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं व्लॉग कर रहा हूँ, और यहाँ पे रखा हुआ है फ़ोन, ये सब के लिए स्पेस है। यहाँ पे ये अपन जो खाना आएगा उसके लिए, फिर यहाँ पे वाटर, ये सब, हेडफोन भी दिया है इन लोगों ने एक्स्ट्रा, और यहाँ पे मेन कंट्रोल,
पूरा टीवी और सीट्स कंट्रोल करने का ये रहा, सीट्स, लाइट्स, ये प्लेन उड़ने का, ये पूरा सोने का, ये है चार्जिंग पॉट, मेन तो ये है गाइस, और यहाँ पे छोटा लाइट, और यहाँ पे भी देखो एक स्पेशल चीज़ है, मैंने पहली बार देखा है, ये बटन दबाऊँगा ना ये ऊपर आ गया, फिर ये बटन दबा के नीचे, ये किस लिए है, ऐसे हाथ रखने के लिए, मस्त रिलैक्स करने के लिए। तो फिर इसको अभी ऊपर कर देते क्योंकि फ़्लाइट उड़ने वाली है ना। तो ये है गाइस बहुत ही तगड़ा और अच्छा वाला बिजनेस क्लास, मेरे को यूनिक लगा ये क्योंकि मैंने एमिरेट्स में बहुत ट्रैवल किया है और ऐसा बिजनेस क्लास मैंने नहीं देखा। ये मतलब ये सीट सीधे नहीं होते, ऐसे वर्टिकल होते हैं, ऐसे क्रॉस होते हैं दोनों सीट, एक उधर से एक इधर से, एंड लिटरली मैंने देखो, आप भी देखो कैसे पूरे अलग है, बहुत ही अलग यूनिक। और यहाँ का फूड मैंने ट्राई नहीं किया, फूड भी ट्राई करेंगे। बिजनेस क्लास सीट्स तो बड़े अच्छे लगे मेरे को, आपको कैसा लगा बताओ। क्योंकि ये इस बिजनेस क्लास सीट्स इसलिए किए थे मैंने क्योंकि मुझे 12 घंटा प्लेन में रहना है, 12 घंटा सोचो फट जाएगी, 12 घंटा आज तक मैंने कभी प्लेन में ट्रैवल नहीं किया, यहाँ से 6 घंटा हांगकॉन्ग, 6 घंटा फिर जापान, कैसा होने वाला है गाइस सोचो, मेरा तो डर लग रहा है इतना देर प्लेन में करूँगा क्या, लेकिन देखते हैं मज़ा आया तो, नहीं तो सोऊंगा मैं दिन भर ये प्लेन में, और क्या कर सकता गाइस मैं। गाइस फाइनली चलो फूड आ गया मेरा, आपको दिखाता हूँ क्या क्या मंगाया है। मैंने मंगाया चिकन राइस और ये भी शायद पनीर है, ओके, और यहाँ पे फ्रूट ये है नींबू और ये सब है, डेजर्ट ड्रिंक कोक, और यहाँ पे दो है मुझे पता नहीं इसमें अचार है, और मैं फ़ोन में इंजॉय कर रहा हूँ गाइस, और अभी मील पूरा खाते हैं एंड आपको मिलते हैं हांगकॉन्ग में सुबह में, उसके बाद 3 घंटे हांगकॉन्ग एयरपोर्ट में हम थोड़ा घूमेंगे और वहाँ से निकलेंगे जापान के लिए, अभी थोड़ा डार्क होगा, कोई ना गाइस मिलते हैं सीधा हांगकॉन्ग में। अभी मैं खाओ के सो जाऊँगा, आपको दिखाऊँगा सोते भी कैसे, यहाँ पर पूरा स्ट्रेट हो जाएगा, गद्दा ओढ़ के तकिया नीचे लगा के बंद करके आप सो जाऊंगा, मस्त 5 घंटे सोऊंगा मैं फ्लाइट। गाइस आपको एक ऐप के बारे में भी बताने वाला हूँ जहाँ से आप लोग कैश ले सकते हो, फ्री फायर के डायमंड्स ले सकते हो, और जितने भी गेम्स हैं ना सब के आप लोग वहाँ पे करेंसी ले सकते हो, और वो ऐप का नाम है विंजो, और विंजो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको क्या करना है, लिंक से विंजो इंस्टॉल करना है, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, और यहाँ पे 100 से ज़्यादा गेम्स है, और ये हर एक गेम खेल के अगर आप टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10 आते हो तो आपको 1000 तक डायमंड, 1000 तक कैश तक मिलने के चांसेस है। यहाँ पे फ्री टूर्नामेंट, फ्री फायर के, फ्री डायमंड्स, फ्री यूसीज, ये सब कुछ मिलते हैं। तो आपको विंजो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाके इंस्टॉल करो। गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली अभी हम लोग हांगकॉन्ग पहुंच चुके हैं, अभी लैंडिंग हो रही है, सुबह के 5 बज रहे हैं गाइस, और अभी अभी मैं उठाऊँ मस्त सो गया था, और स्टीम टॉवल मैंने मंगा लिया है अभी, तो अभी फटाफट 30 मिनट्स में लैंड होने वाले हैं एंड उसके बाद 3 घंटे हम लोग हांगकॉन्ग में रहेंगे, 3 घंटे बाद हमारी अगली फ्लाइट है जापान के लिए। तो हांगकॉन्ग एयरपोर्ट में एक्साइटेड हूँ देखने के लिए उसके बाद जापान की अगली फ़्लाइट कैसी होने वाली है, सेम ऐसी होगी या अलग होगी मेरे को पता नहीं है। अभी फाइनली लैंड कर रहे हैं, 5 घंटे मस्त मैं सोया गाइस, 5 घंटे दबा के सोया खाने के बाद। चलो आपको एयरपोर्ट दिखाता हूँ अभी लैंड होने का, देखो हांगकांग पहुँच चुके हैं, ये देखो ये हांगकांग का एयरपोर्ट, अभी अंदर जाके दिखाऊंगा लाउंज में। तो चलो यहाँ से अगली फ्लाइट है मेरी 6 घंटे की जापान के लिए, सीधा अभी जापान निकलेंगे यहाँ से, 6 घंटे की फ़्लाइट है, 3 घंटे के बाद, 3 घंटे का ले ओवर है, तो बहुत तगड़ा एयरपोर्ट लग रहा है गाइस, बहुत तगड़ा एयरपोर्ट। चलो अभी मैं आता हूँ, चलते हैं गाइस। फाइनली 3 घंटे के बाद हम जापान के लिए निकलने वाले हैं, विश्वास नहीं हो रहा गाइस, अभी 3 घंटे हांगकॉन्ग में चिल करेंगे लाउंज में, फिर निकलते हैं, अगली फ़्लाइट भी देखता हूँ कैसी होने वाली है, तगड़ी होगी मेरे को लग रहा है गाइस। गाइस अभी आ चुके हैं हम लोग दूसरे बिजनेस क्लास लाउंज में एंड ये पहले वाले से बहुत ही तगड़ा है, ये हांगकॉन्ग का बिजनेस क्लास लाउंज है, और इधर खाने के लिए लिटरली मैं खाना ढूंढ रहा था कि क्या मिले खाने के लिए, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो देखो मैंने क्या मंगाया, मैंने मंगाया एक ब्रेड, ये वेज है, ये है चिकन, चिकन हॉट डॉग में यूज़ होता है ना वो, एग और मशरूम,
बस यही समझ में आया, बाकी का सब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चिकन है क्या क्या है, अलग अलग चिकन है भाई, चिकन नहीं है, बहुत अलग अलग जानवर यहाँ पे दे रहे थे, मेरा फट गया था। और आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, इधर से देखो, ये देखो, ये फ्लाइट में हम लोग आए हैं, ठीक है। इसमें अभी जापान जाने वाले हैं हम लोग 2 घंटे में, अभी बज रहे हैं समझ जाओ, अभी 8 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, मेरी 9 बजे बोर्डिंग, नहीं 7 बजने वाले हैं, 9 बजे बोर्डिंग, मतलब 2 घंटे का टाइम है। अभी मैं खाऊंगा पीऊंगा इन्जॉय करूंगा एंड निकलेंगे जापान के लिए फाइनली। और जापान का जो फ्लाइट है ना, जो यहाँ से जाएगा, शायद जापानीज एयरलाइन से चेंज होगा फ्लाइट, तो मज़ा आएगा, नया फ्लाइट है, देखते हैं उसमें भी कैसा होगा। आपको पिछली वाली फ़्लाइट तो दिखा दी, ये वाली कुछ अलग होगी, मेरे को पता नहीं है। अभी मैं इन्जॉय करता हूँ फूड और फटाफट यहाँ से निकलता हूँ जापान के लिए। फाइनली बोर्डिंग हो चुकी है अपनी टोक्यो की फ़्लाइट के लिए, और ये हांगकांग से टोक्यो जा रही है फ़्लाइट। फाइनली ये फ़्लाइट के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे टोक्यो जापान में, एंड बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। और ये देखो बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास की लाइन, अभी चलो इसमें चलते हैं। ये अलग है, पूरा खाली गाइस, पूरा का पूरा खाली, मज़ा आ गया। अब तो टोक्यो फाइनली, सपना था मेरा, ड्रीम कंट्री पहुंचने वाले आज जापान टोक्यो। सब कुछ करेंगे, जितने भी यूनिक चीज़ें हैं ना, जितने भी आप लोगों ने देखा है ना, सब कमेंट करो क्या क्या वीडियो बनाऊँ वहाँ पे। और फाइनली अभी मैं बिजनेस क्लास में जाने वाला हूँ, यहाँ से एंट्री होने वाला है, मेरा सीट नंबर है 14C, तो मेरे को 14C चेक करना है कहाँ है। चलो गाइस, 14C गाइस, मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ, ओहो ये है 14C। चलो गाइस गाइस, अभी हम लोग जापान पहुंच चुके हैं, एंड अभी मैं कौन से ट्रेन में हूँ पता ही है आपको, मैं हूँ बॉम्बास्टिक साइड आई ट्रेन, क्रिमिनल ऑफेंसिव साइड आई। एंड मैं एयरपोर्ट पे इसलिए व्लॉग नहीं बनाया गाइस, पूरा रश था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ट्रेन कहाँ से लेना है, चेक इन कहाँ से करना है, बहुत पूरा कन्फ्यूजिंग था। फटाफट हमने ट्रेन लिया, और ये ट्रेन 1 घंटा लगेगा हमको टोक्यो पहुंचने में, टोक्यो 1 घंटे के बाद हमको एक और ट्रेन चेंज करना है, और ये हमारा फर्स्ट टाइम है। हाँ यहाँ पे गाइस 5 बजे रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है एयरपोर्ट में, पूरा अंधेरा है सोचो। तो अभी हम लोग मेट्रो में बैठे हैं, और ये हमें 1 घंटे में टोक्यो पहुँचाएगी, उसके बाद होटल जा एक और दूसरा ट्रेन लेना है, फिर वहाँ से होटल में चेक इन करेंगे, फिर देखते हैं रात में अगर कहीं मन करा तो जाएंगे, नहीं तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। ट्रेन बहुत प्यारा है, आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो पीछे, और ये स्पीड बहुत तगड़ी चल रही है गाइस। ये मेरी पहली टैक्सी है जापान की, और ये कितनी महंगी है सोचो, 5 किलोमीटर मेरा स्टेशन से होटल है, तो मैं अब इतने सारे बैग लेके ट्रैवल नहीं कर सकता, और ना पैदल भी 5 किलोमीटर में चल सकता, स्टेशन वहीं तक था, उसके बाद होटल के पास स्टेशन नहीं है, तो मैंने यहाँ से टैक्सी ली। ये देखो ऐसी है टैक्सी, बड़ी है, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी है, और ये 5 किलोमीटर के लिए मेरे से लिया है 2,500 रुपये, 3,000 रुपये सिर्फ 5 किलोमीटर के लिए, सोचो इतनी महंगी टैक्सी है। इसीलिए हर कोई यहाँ पे ट्रेन, मेट्रो या बुलेट ट्रेन ही यूज़ करता है, क्योंकि बुलेट ट्रेन मेरे को 70 किलोमीटर एयरपोर्ट था टोक्यो से, वहाँ से यहाँ तक लाने के मुझे 3,000 रुपये लगे मेरे और निकिता के, और यहाँ से टैक्सी के लग रहे हैं सेम 3,000 रुपये बस 5 किलोमीटर जाने के। तो टैक्सी यहाँ पे अंधा महंगा है, दुबई से भी 10 गुना महंगा है, क्या बताऊँ गाइस। तो अभी हमने कुछ खाया नहीं है, क्योंकि फटाफट इतने सारे बैग थे, 1, 2 पीछे 3 बैग है। हाँ तो अभी हम लोग 24/7 जाएंगे, पहले होटल में चेक इन करा लेंगे, उसके बाद तो उसके बाद होटल दिखाता हूँ आपको, फिर कुछ जो खाएंगे वो दिखाऊंगा, और ये व्लॉग को एंड करेंगे, और कल कुछ स्पेशल करने वाले, कल से तो आप लोग पागल हो जाओगे कि इतना बैग लेके घूमने नहीं वाला हूँ मैं, आपको अच्छे से व्लॉग दूंगा सब कुछ, ट्रेन में कैसे जाते हैं, मेट्रो में टिकट कैसे लेते हैं, थोड़ा बहुत तो आज समझ में आ गया मेरे को, बट कल आपको पूरा दिखाऊंगा। गाइस यहाँ पे होटल में हम टोक्यो में आए थे चेक इन करने, और कोई नहीं है चेक इन पे, हमको खुद पासपोर्ट स्कैन करना है, अपना एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है, एंड सब करके खुद से चेक इन करना है, और ये मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, पहली बार। देखो मैं, मेरे निकिता का पासपोर्ट यहाँ पे सब फिल कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ से हम लोग चले जाएंगे सीधा चेक इन करने। हाँ पैसे भी यहाँ पे डालना है, सब कुछ यहीं पे करना है, यूनिक है, बहुत ज़्यादा तगड़ा है यार, मतलब हर जगह चेक इन होता है ना, यहाँ पे कुछ नहीं होता है गाइस। चलो चेक इन करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ आगे का। गाइस यहाँ पे मैंने सब कुछ चेक इन कर लिया, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाना, मोमोस पूरा दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है क्या स्क्रीन, नहीं ना, तो यहाँ से देखो मेरे को रूम की मिल गई है मेरी, और ये मेरी रूम की है, मतलब मैंने सब कुछ चेक इन कर लिया, और मेरा रूम नंबर भी अभी मेरे को पता लग जाएगा,
मैंने की ले लिया है, मेरे को पता नहीं रूम नंबर कहाँ से, एक और की, चलो दो की मेरे को मिल चुकी है गाइस। कितना खतरनाक चेकिंग है ना टोक्यो में, देख रहे हो मुस्कुरल, कुछ नहीं करना पड़ रहा है। और ये मुझे मिल गया मेरा रूम नंबर, देखो गाइस 720 सेवेंथ फ्लोर पे, और यहाँ पे कोई आया भी नहीं, मैंने डायरेक्ट चेक इन कर लिया और चलो चलते हैं। सभी बहुत लोग ये सोचते हैं जापान में होटल्स कैसे होते हैं, कितने महंगे होते हैं, ठीक है। तो ये जो होटल लिया है ये गाइस मुझे 12-13,000 पर नाइट का पड़ा है, और दिखाता हूँ कैसा है, इतने मतलब इतने पैसे में कितने कैसा होटल मिलेगा। और ये 4 दिन के लिए लिया है, उसके बाद हम लोगों ने दूसरा लेंगे, अभी प्लान नहीं है। तो आपको ये होटल पहले दिखाता हूँ जापान का कैसा है। फाइनली अभी होटल में हम आ चुके हैं, बहुत ठंडी है बाहर, 4 डिग्री टेम्परेचर है। ऐसे एंट्री होती है गाइस नॉर्मल, अच्छा सा सेम, थोड़ा सेम ही है, यूनिक नहीं है। यहाँ पे की है, यहाँ पे मैंने लगेज रखा है, और यहाँ पे इन लोगों ने ये दिया है, और ये ऐसा, और यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ से अपन जाएंगे तो यहाँ पे वॉशरूम है, वॉशरूम में दिया है अपना बाथटब, अच्छी बात है, बाथटब दिया है सिंपल सा। ये मिरर, ये वॉशरूम बहुत ही तगड़ा होता है, पता है इसमें सारा बटन होता है, ये इससे फ्लश होगा, इससे पानी गिरेगा, ये वो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। वॉशरूम हर एक जापान में मैंने हर जगह देखा यही वॉशरूम। और उसके बाद जैसे हम वॉशरूम से निकलेंगे तो यहाँ पे आने के बाद एक ये बेड है, एक ये बेड है, और यहाँ पे ऐसा है। तो ये होटल आपको मिलेगा 15-14,000 में पर डे का, ठीक है। और कैसा है आप बताओ होटल, मेरे को तो ठीक लगा, ओके ओके, कुछ कमाल का नहीं है। और इसके बाद जो नेक्स्ट होटल मैं सोच रहा हूँ कुछ अच्छा वाला लेंगे, आपको दिखाना चाहूँगा। अभी हम लोग जा रहे हैं इस रात में कुछ खाने टोक्यो में, अब मेरे को ढूंढना है यहाँ पे कहाँ खाना मिल पाएगा, हम लोग क्या खा पाएंगे, अब मेरे को पता नहीं यहाँ का चीज़ मैं खा भी पाऊँगा कि नहीं, ट्राई करते हैं, क्योंकि भूख लगा है मेरे को बहुत ज़ोर से, क्योंकि अभी आज पूरा ट्रैवल करा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, तो खा पी के मैं सो जाऊँगा। सोने के बाद कल सुबह से अमेजिंग वीडियोस आने वाले हैं, बी रेडी। सभी हम लोग आए हैं एक जैपनीज रेस्टोरेंट में, और मैंने मंगाया ये है हॉट डॉग, और ये है पोटैटोस, ये है चिकन विंग्स, पिज्ज़ा और श्रिम्प। और लोगों का भीड़ देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, और अभी हम लोग ये ख़त्म करते हैं क्योंकि सोने जाना है मेरे को फटाफट। गाइस देखो, रोबोट खाना लेके आता है यहाँ पे, और ये जा रहा है, देखो इसमें खाना आया था हमारा, ये सारा खाना।